कोरिया में बेटी ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर मृत पिता के खाते से पैसे निकाल रही थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक के बेटे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल मृत SECL कर्मचारी के बेटे ने जून में कोरिया चौकी में शिकायत की थी। उसने बताया था कि उनके स्वर्गीय पिता के सेंट्रल बैंक के खाते से 4.5 लाख रुपए अज्ञात व्यक्ति ने निकाले हैं। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच पड़ताल की और मृतक की बेटी से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। मृतक की बेटी ने ही पेटीएम से अपने प्रेमी के खाते में राशि ट्रांसफर की थी, फिर एटीएम से पैसे निकालकर खर्च कर दिए। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड के साथ बाइक और कार सहित कुल 3.5 लाख रुपए का सामान जब्त हुआ है। प्रार्थी संजय दास के द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन कोरिया चौकी में पेश किया गया कि उसके पिता के खाते से लगभग 4.5 लाख रुपए 30 जनवरी से 4 जून तक किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाल लिया गया है। तत्काल पुलिस टीम गठित कर साइबर सेल के साथ अंबिकापुर रवाना किया गया, जहां से आरोपी अशीला दास और आरोपी सूरज सिंह को उनके शकुनत से हिरासत में लिया गया और पूछताछ करने पर पता चला कि शीला दास अपने स्वर्गीय पिता के खाते से धोखाधड़ी कर पेटीएम के माध्यम से अपने प्रेमी सूरज सिंह के खाते में पैसा डालना बताई। आरोपी और आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर इनको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में न्यायालय पेश